तो गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं साउथ गोवा। मैंने ना फुल पहन लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी, तो मैंने चेंज कर लिया है वो वन पीस और नीचे जीन्स पहन ही लिया। और अब चलते हैं साउथ गोवा, देखते हैं कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। वो रूम लॉक कर रहे हैं। तो गाइज हम इस सर्किल से बस में बैठने वाले हैं पंजिम तक, फिर पंजिम से मडगांव हम जाएंगे इलेक्ट्रिक बस से। तो गाइस आज हम गोवा की लोकल बस सर्विस में बैठे हैं और यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग भैया से मिले हैं। हम आपको मिल पाती हूँ। बस स्टैंड है यहाँ का, इसमें भी लोकल मार्केट है बस स्टैंड के अंदर। पंजिम का लोकल बस स्टैंड है ये, बस स्टैंड भी यहाँ का बहुत अच्छा है गाइस। तो गाइस अब हम लोग बैठे हैं यहाँ की इलेक्ट्रिक बस, एसी बस में, जो कि हमें मडगांव तक पहुँचा देगी। और मडगांव है साउथ गोवा में। ये अपनी कोई मीटिंग ले रहे हैं, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आई एम गेटिंग बोर्ड, इनकी मीटिंग्स चलती रहती है पता नहीं। अभी हम लोग पंजिम सिटी में और अब जा रहे हैं साउथ गोवा मडगांव। अरे मडगांव के लिए गाइज हम लोग इतने ज़्यादा टैन हो चुके हैं ना गोवा में आके, मतलब मेरे तो बैक पे है ना स्ट्रिप्स बन चुकी है, हाथ काले, फेस काला। और अब जाते ही मेरे ससुराल में है शादी, सब लोग कहेंगे कि ये कैसी हालत करके आए हो अपनी, बट इट्स ओके, चलता है। बोरे काले से क्या ही फ़र्क पड़ता है गाइज। मडगांव है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर्स, मतलब पंजिम से 40 किलोमीटर्स तक की दूरी पे। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है गाइस, हमारे जयपुर में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। मडगांव 34 है। हम लोग हमारे होटल पहुंच चुके हैं साउथ गोवा में। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, अब तो ऐसा लग रहा है ना कि बीमार होने वाले हैं बस। और यहाँ मुझे एक चीज़ बताना, तो गाइस मैं आपको मेरे रूम टूर दे देती हूँ। साउथ गोवा का जो हमारा रूम है, ये बेड, टीवी एंड दिस साइड वॉशरूम आई थिंक, या दिस इज़ वॉशरूम, ये क्या अलमीरा, हाँ इतनी सी अलमीरा है। ये मिरर मिला है हमको यहाँ पे, और ये रूम है हमारा, हमें छोटी सी बालकनी भी मिली है इसमें। गोवा में ये सिस्टम अच्छा है, हर रूम की एक पर्सनल बालकनी देते हैं ये लोग, कोई भी रूम अच्छा है। ये है हमारा साउथ गोवा में होटल, काफ़ी अच्छा है। चलिए गाइस अब करेंगे हम की है ना, उसमें जा रहे हैं। हमने होटल में चेकआउट किया था, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और चेक इन, सॉरी दिमाग खराब हो गया घूम घूम के, चेक इन किया था और उसके बाद में रेस्ट किया थोड़ी देर, और उसके बाद हम निकले हैं कोलवा बीच। ऐसे कहते हैं साउथ गोवा थोड़ा महंगा पड़ता है और थोड़ा पॉश एरिया है साउथ एज कम्पेरेटिव टू नॉर्थ, लेकिन पीस और शांति तो साउथ गोवा में ही आपको देखने को मिलेगी। भीड़ भड़ाका और क्राउडेड एरिया वो सब नॉर्थ में मिलेगा। बट गाइस एक चीज़ बताऊँ, हमें तो नॉर्थ से सस्ता साउथ पड़ रहा है यार। सब लोग कहते हैं साउथ महंगा पड़ेगा, लेकिन हमारा होटल भी सस्ता हुआ है कम्पेरेटिव टू नॉर्थ। और हमें जो हमने
ये यहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं कोलवा बीच पे, जो कि साउथ का सबसे क्राउडेड है। हाँ, साउथ का तो सबसे क्राउडेड बीच यही है कोलवा बीच। देखते हैं तो गाइस हम लोग पहुंच गए कोलवा बीच। काफी सुंदर है यार दिखने में। तो गाइस हम लोग कोलवा बीच पे तो आ गए थे और ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। पानी के एकदम बीचों बीच जाना इनको पता नहीं क्या पसंद है यार, कोई भरोसा नहीं है लहरें कब आपको बहा के ले जाए, बट ये मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ये देखो गहरा समुंदर। देखिए यहाँ चल रहा है वॉलीबॉल गेम। वो ये रहे डुबकियां लगा रहे हैं यहाँ पे। इतना गहरा पानी है ना कोलवा बीच का, जो मतलब किनारा है ना वो थोड़ा गहरा है, स्टार्टिंग ही गहरे से होती है। जा रहे हैं होटल रूम और पहले लेंगे बाथ, क्योंकि नहा जो समुद्र के पानी में नहाते हैं ना तो चिपचिप हो जाते हैं क्योंकि नमक का पानी होता है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से बाथ लेना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम होटल रूम जाके फिर शाम को निकलेंगे वापस से। तो गाइस हम लोग मतलब कोलवा बीच से आए, उसके बाद में नहाए रेस्ट किया और अब हम फिर से जा रहे हैं वागा, नहीं कौन से बीच जा रहे हैं अपन अभी, बेलोलियम बीच जा रहे हैं, बेनुलियम बीच जा रहे हैं फिर से। बीच ही बीच है गोवा में और रही क्या बीच गोवा में आओ ना तो बेनुलियम पे क्या होता है। हाँ, तो साउथ शाम का डिनर होता है ना बीच के ऊपर, बेस्ट होता है। अच्छा, तो अभी बजे शाम के 7 और अगर कोई साउथ गोवा में है तो बेनुलियम बीच पे डिनर जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा मतलब वहाँ का व्यू और पीस रहता है वहाँ पे, शांति। जो आगे जो फीडबैक है वो हम जाके बताएंगे। ओके, तो और जो फीडबैक होगा हम लोग आपको जाके शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया, हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिफ्ट का। गाइज मैं तो वही मैं हूँ, लोअर पहन रखा है और ऊपर टॉपर पहना है बस। चेक कर जल्दी आ जा, इतना करेगी तेरी क्यों नहीं करेगी। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड आज मुझे लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बीमार होने वाले हूँ। मैंने मेरा जैकेट भी बाहर निकाला था पता है, लेकिन यही ना रूम में निकाला था। ये हमने स्कूटी रेंट पे ली थी और ये है हमारा होटल द ट्रीट होटल, काफी अच्छा होटल है ये भी। मतलब मुझे ना नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा वाला होटल मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। और ये साइड में हमारे शॉप्स है, हमारा होटल एकदम मेन सिटी में ही है तो हम जहाँ भी ट्रैवल करना चाहें ईजिली कर सकते हैं हमारी स्कूटी से। आगे ले आओ। बैठूं? चलो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बेलोलियम बीच। कहाँ ध्यान कहाँ है? ये हम आ चुके हैं बेनुलियम बीच। यार मेरे को सही बताऊं क्या, गोवा के सारे बीच एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये स्कूटी पार्क कर रहे हैं, नहा दो के आए थे, पैर वापस मिट्टी में हो जाएंगे। गाइस देखिए कितनी प्यारी हट्स बना रखी है इन्होंने कैंडल लाइट डिनर्स के लिए, और एक ये जॉन्सी रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है यार यहाँ पे। सो गाइस वी आर हियर फॉर डिनर, ये है बेनुलियम बीच और यहाँ का ना कैंडल लाइट डिनर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हो बहुत प्यारा मतलब बीच व्यू है। बट है ना रात को कोई भी अंदर रेस्टोरेंट में नहीं बैठता है, सब लोग यहाँ कैंडल लाइट डिनर में बैठना ही पसंद करते हैं। मैं तो अपने बाल सुखा रही हूँ यार, बाल धोए हैं गीले हो रहे हैं। अरे सुने ले आया क्या? ले आया किसी को? हैं? मैं ही ले गया। वो आए तो नहीं? लाया तो नहीं?
मैं तो इसकी परमिशन लेने गया था। कि साउथ गोवा में कोई भी आए सबसे पहले कोलवा बीच की ट्रिप करें और उसके बाद वो बेनुलियम बीच पे शाम को आके डिनर करें स्पेशली। ओके बेबी। एक सबसे पहले बेनुलियम पे दो बीचेस हैं, फर्स्टली आइस क्यूब है, एक क्या देख रही है चावल तो बाहर भी मिल जाते हैं, बीच पे चावल खाने से मजे आते हैं क्या? आइस क्यूब बीच बार एंड रेस्टोरेंट जो कि है बेनुलियम बीच पे और बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ के जो भैया है ना, देखिए मिलिए हमारे भैया से, दोनों भैया से हेलो सब लोग को। और इनकी बहुत ही अच्छी सर्विस है, इनके रेस्टोरेंट का नाम है आइस क्यूब बीच बार एंड रेस्टोरेंट। तो जो कोई भी साउथ गोवा में आ रहा है ज़रूर आइएगा, यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा फूड है, बहुत अच्छी ड्रिंक, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। और मिलिए, ये इनसे हमारा पर्सनल कनेक्शन हो गया दीपांशु भैया से, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। और आपका नाम भैया? रॉयल। रॉयल, ये रॉयल भैया, नाम ही रॉयल है तो रॉयल ही है बिल्कुल। और आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? पूरा वर्ल्ड आ जाओ इधर पे गोवा, बिल्कुल पूरा वर्ल्ड आ जाओ, सबको सब मिलेगा, पूरा वर्ल्ड आओ गोवा में सबका स्वागत है बिल्कुल, प्यार से करेंगे सबका स्वागत, प्यार से करेंगे सबका स्वागत सही है भैया। यार दिन में ना हो, एक ये बीच बहुत सारा है यार, बेनुलियम अच्छा है यार, बेनुलियम बीच गाइस साउथ गोवा का सबसे बेस्ट बीच है। ये देखिए क्यों है, आप बताओ क्यों है? क्योंकि बेनुलियम में स्पेशली फॉर कपल्स, हाँ बेनुलियम इज स्पेशली फॉर कपल्स, और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइवेसी और पीस देखने को मिलेगा जो कि आप देख ही सकते हैं मेरे वीडियोस में, आराम से दोनों तन मन धन किसी भी डिपार्टमेंट की तुम बात कर सकते हो। गाइस देखिए बच्चों वाले काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं गोवा में आके, घर बनाने का काम, और बहुत ही परफेक्टली कर रहे हैं, सही है यार, बीच के किनारे बैठ के वो भी रात को ये घर बना रहे हैं देखो। तो गाइस ये है मेरे हस्बैंड के घर का फाइनल लुक, अगोड़ा फोर्ट जो कि गोवा में है, अगोड़ा फोर्ट बनाया है, सीरियसली यार अगोड़ा फोर्ट ही लग रहा है ये। गाइस अगोड़ा फोर्ट ऐसा ही है, बस इसमें ऊपर एक वो है पानी की टंकी नहीं वो व्हाइट वाली ना, वो व्हाइट वाला फोर्टलेस है, ये अभी वो भी बना सकता हूँ बिच्चू। ये लो भाई किले बंदी कर दी इन्होंने चारों तरफ, अब तो पक्का ही वही लग रहा है। वो क्या लग रहा है? वही है बिच्चू, वही है क्या? तो गाइस देखिए हमारे हस्बैंड का बनाया हुआ अगोड़ा फोर्ट जो कि यहाँ से भी दिख रहा है दूर से भी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे हस्बैंड का अगोड़ा फोर्ट आपको कैसा लगा। चलो भाई टाटा बाय बाय। तो गाइस अब हम है ना हमारे होटल वापस जा रहे हैं, हमने स्कूटी वहां पार की थी, बाय बाय बेनुलियम बीच, कल सुबह फिर आएंगे 8:30 बजे, यहाँ पे वो सन बन, वो क्या कहते हैं, अरे सन बन गया बाहर, ये राजस्थानी है, गोवा में राजस्थानी मिलना बहुत गजब की बात है यार। ये कौन सा सर्किल है, सर्किल कौन सा है ये? मालूम नहीं मालूम नहीं, खुद ही अभी आए
अभी तो आए ज्यादा टाइम नहीं हो। ये है ना SBR ज्वेलर्स, इसके जस्ट सामने ही है। लो, लो। क्या खाओ